रायपुर में कोरोना का कहर लगातार बढ़ रहा है, इसलिए स्वास्थ्य विभाग ने कल से 4 कोविड 19 अस्पताल और सेंटरों को बंद करने जा रही है। जितने भी सेंटर बंद होने वाले हैं उनमें अभी तक एक भी कोरोना मरीज की मौत नहीं हुई है। बताया जा रहा है कि होम आइसोलेशन की रणनीति सफल हो रही है, इसलिए कोविड हॉस्पिटल और सेंटर को बंद किया जा रहा है। रायपुर में पहले 1000 से 1200 मिलते थे, वहीं अब मरीजों की संख्या कम होकर 200 से 250 पहुंच गई है। अधिक जानकारी के लिए डॉक्टर मीरा बघेल से खास बातचीत की सत्या राजपूत ने। डॉक्टर मीरा बघेल हैं जो जिला चिकित्सा अधिकारी हैं। मैडम, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपके मेहनत के लिए आपको पहले तो स्वराज एक्सप्रेस की ओर से बहुत बहुत बधाई कि आपने कोरोना संक्रमण चक्र रोकने में कामयाब दिख रहे हैं। मरीजों की संख्या कम हुई है, क्या रणनीति रहा है? देखिए, सबसे पहले तो हमने मरीजों के लिए कोविड सेंटर खोले। 12 कोविड सेंटर थे रायपुर में, और कल ही आपने पेपर में पढ़ा कि एक दिक्को नया कोविड सेंटर धरसीवा में भी खुला। इस तरह से 13 कोविड सेंटर हो गए, लेकिन धीरे धीरे अब मरीजों की संख्या जैसे जैसे कम होती जा रही है तो हमारे कोविड सेंटर भी हमको बंद करना पड़ रहा है। उसमें से होटल मैनेजमेंट ये कल बंद हो जाएगा, वहाँ पे जो बचे 11 मरीज हैं वो डिस्चार्ज हो जाएंगे। इस तरह से आज तक के वहाँ पे 1181 मरीज डिस्चार्ज हो चुके हैं। वैसे ही फुंडर है, फुंडर भी 23 तारीख तक के वहाँ पे भी जितने मरीज हैं वो भी डिस्चार्ज हो जाएंगे, और 909 मरीज आज की डेट में वहाँ पर से डिस्चार्ज हो चुके हैं। इंडोर स्टेडियम भी 2 दिन बाद वहाँ जितने मरीज हैं वो डिस्चार्ज हो जाएंगे, और आज तक वहाँ पे 1497 मरीज वहाँ से पूरी तरह से ठीक होके और अपने अपने घर चले गए। कोरोना मरीजों में बहुत तेजी से गिरावट आई है, और कुछ दिन अगर ऐसा ही नियंत्रण ऐसा ही कामकाज चलता रहा तो राजधानी का वो दिन दूर नहीं कि कोरोना मुक्त होने के कगार में पहुंच जाएगा। कैमरामैन जगह के साथ सत्य राजपूत, स्वराज एक्सप्रेस, रायपुर।